Sharks. Hi. I'm Anushka from Pune और मैं 22 years की हूँ. For us Gen Zs, manicures उतने ही important है जैसे hair और makeup. Party में बिना manicure के जाए ऐसे लगता है जैसे हमारी body part missing हो. Manicure सिर्फ cut, file, shine नहीं बल्कि खूब सारा nail art है. But ये salon जाकर nails करवाना, that's so boring. It's a waste of time and money also. और ये सालों नेल्स 3-4 हफ्तों तक लगे रहते हैं. ऐसे कमिटमेंट किसको चाहिए. इसीलिए मैंने स्टार्ट किया पॉलिश मी प्रिटी. पॉलिश मी प्रिटी मेक्स योर बेयर हैंड्स लाइक दिस लुक लाइक दिस विद इन मिनट्स. पॉलिश मी प्रिटी में 200 वेरियस कलर के नेल ऑप्शंस अवेलेबल है और आप अपनी फेवरेट पिंटरेस्ट इंस्पायर नेल आर्ट भी हमसे कस्टमाइज करवा सकते हैं. Our nails are reusable up to 5 times and are all handmade, hand polished and handcrafted. इसीलिए ये साल और फिनिश क्वालिटी बराबर है. आप हमारे प्रोडक्ट्स हमारे वेबसाइट और मार्केट प्लेसेज लाइक ब्लिंकिट, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हो. सो शार्क्स, वाई वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स व्हेन यू कैन वेयर योर पर्सनालिटी ऑन योर फिंगर टिप्स. सो माय आस्क फॉर टुडे इज 25 lakh फॉर 25%. ओह वाओ, जेनरस, मोस्ट जेनरस आस्क. पता चलेगा. वेलकम टू शार्क टैंक. थैंक यू. आप लगती हैं आप सीधा रिवरडेल से आई. आपने बोला आप 22 इयर्स हो गए. हाँ. हम तो आपका पूछ भी नहीं सकते आपने कहाँ काम किया है. मैं लास्ट ईयर ग्रेजुएट हो गई. कहाँ से? आई स्टडी डिजाइन फ्रॉम इसडी पार्सन्स इन बॉम्बे. और स्ट्रेट काम करना शुरू कर दिया. ये मेरा ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट था. ओह, आजकल ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं ग्रेजुएशन में. तो एंटरप्रेन्योरियल. एंड आई वाज लाइक चलो फुल टाइम करते हैं. आपके फादर एंटरप्रेन्योर हैं? No. Okay. I come from a business family. मैं business family से आती हूँ. हाँ जी, तो वही तो पूछ रहा था. Dad has his own company. हाँ जी, वही तो मैं पूछ रहा था. So we make UPSs. अच्छा. कहीं internship किया था आपने पहले, काम किया था? मैंने first एक cupcake van run किया था with my mother at the age of 14. फिर boards आए थे तो at the study. 17-18 मैंने small Instagram pages run किए थे stationery sell करने के लिए और कपड़े sell करने के लिए. 2019 मैंने एक streetwear brand खोली थी. क्या हुआ उसका? बंद. So honest. मेरी मूड चली गई एंड आई सेड ठीक है मैं कुछ नया स्टार्ट कर लूंगी. क्या गारंटी है कि इससे भी आपका मन नहीं उठ जाएगा? दिस इज इट. व्हाई डू यू फील दैट? बिकॉज जब मैं सालोंस जाती थी पहले नेल्स करवाने, मैं ऑलवेज फैसिनेटेड थी कि लाइक ये यूनिवर्स में जाना है. जाना तो है पर रहना इस कंफर्म 20 साल 30 साल भी मुझे लगता है कि ये अनएक्सप्लोर्ड है. ऐसा क्यों लगता है आपको कि अनएक्सप्लोर्ड है? तो मैं मेरी विजन एक्सप्लेन करती हूँ. बिल्कुल. अब तो आपके पास है ही विजन. बेसिकली मुझे पॉलिश मी प्रिटी को ऑल कैटेगरीज में स्प्रेड करना है इन टर्म्स ऑफ सालो एसेंशियल्स लाइक मैनिक्योर पेडिक्योर मिक्सेस नेल केयर बीइंग क्यूटिकल ऑयल क्रीम्स पॉलिशेस नेल कटर्स फाइलर्स बफर्स सारे. ऐसे ब्रांड्स नहीं है मार्केट में आपने कहा है ऑलरेडी, पर मुझे जेन जी टारगेट नीश पे फोकस करना है. और बाकी ब्रांड्स उनको नहीं केटर कर पाते? नहीं, उनकी पैकेजिंग बहुत बोरिंग है. सोशल मीडिया काफी डेड है. डेड? अच्छा, तो फिर क्या दिखाना चाहिए Gen Z? आप क्या दिखाते हैं उन्हें? मेरे भी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कुछ खास नहीं है. कितने हैं? Shouldn't have said that. 790. मैं प्रिसाइज बताती हूँ आपको. She's talking to herself. एक एग्जांपल दीजिए. इंस्टाग्राम, इफ यू सी एनी ऑफ द पिंक वन विद द नेल्स. Gen Z में मेरी जो डॉटर है वो आजकल फोटो भी खिंचवाती है और ऐसे खिंचवाती है. हाँ. चलिए समझ गए. I like that. Thank you. Nice. Chrome and French. Yeah. आपरे 1300 रुपए. इसको एग्जैक्टली यूज कैसे करते हैं? हाँ, मैं ट्राई कर रहा था, मेरा लगा नहीं गिरे जा रहा है. Namita, could I show it to you? Yeah. If you have. Namita, can you go? So basically, उसमें दो alcohol pads हैं, जो nails को dehydrate करते हैं. ये glue tabs हैं. This is what you use to stick. So I'll dehydrate her nails. You see, measurement based on your आपके thumb size पे. ये लग गया. लग गया? There you got it. There you go.
All done. पर इसमें जो कर्वेचर है आपके नेल में तो वो सेटल होने में प्रॉब्लम नहीं होता है? नहीं, एक बॉक्स में मैं 20 नेल टिप्स देती हूँ, सो सारे साइज इंक्लूसिव है। ओके, थैंक यू। अनुष्का, यू लाइक द लुक? लव इट। ओह मैन, शो मी। आप पूरे बियॉन्से लग रहे हो। व्हाट अ रिज ब्रो, यू लुक लाइक अ रिज। ऐसे तो बहुत प्रोडक्ट्स मिलते हैं मार्केट में। मार्केट में जो अवेलेबल है वो मशीन मेड नेल्स है, वो इजीली टूट जाते हैं एंड वो रियूजेबल नहीं है। वो जनरली अराउंड 250-300 रुपीस के लिए सेल होते हैं, बट वो वन टाइम यूज ही है। आप कह रहे हैं आपके जैसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में? देयर इज ओनली वन करंटली। सोनाक्षी सिन्हा ने अभी लॉन्च, सोनाक्षी सिन्हा वाला ब्रांड। अनुष्का, हमने स्टार्ट कैसे किया, मैं उस पर थोड़ा क्यूरियस हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या था? एक नाइकी स्नीकर्स की ड्रॉप आई थी लिमिटेड एडिशन शूज की, तो मुझे वो रिटेल पे मिला था वेबसाइट पे एंड फिर मैंने बेच दी एक उसको टू गेट माय इनिशियल फंड। कितने पैसे में खरीदा? 13,000। और कितने में बेचा? 1,00,000। वेल डन। नो डैडी हेल्प? नो। नेक्स्ट स्टेप क्या किया? मैंने जस्ट डायल से नेल आर्टिस्ट ढूंढे ऑल अक्रॉस पूना। नो ऑफेंस टू एनीवन, बट उनके थोड़े गॉडी और ऐसे झटक टाइप डिजाइन थे। फिर जैसे मुझे चाहिए था, मुझे मैंने उनको एक्सप्लेन किया, फैमिली मेंबर्स मेरे गिनी पिग्स थे सैम्पलिंग के लिए। मैं ये फैमिली ब्रांड ही बोलूंगी बिकॉज स्टार्ट से जब मेरा फर्स्ट बार ब्लिंकेट ऑर्डर आया था, रात के 3 बजे तक मेरी दादी, माय मासी, माय सिस्टर सारे सप्लाई लाइन चेन में बैठे थे मेरे नेल्स पैक करते हुए। दैट्स ग्रेट। सो उसके बाद मैं पापा को बोली कि अब यही करना है, सो ही सेड ठीक है, कूद लो, ड्राउन मत हो जाना बस। पापा अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। पापा को पता होगा ना कि बोट आ जाएगी बच्चे। सॉरी। Is it uncool to use the right spellings for Gen Z आजकल? Person to person depend होता है। क्योंकि इस प्रोडक्ट में मैं देखूँ तो 6-7 स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। लेंथ की स्पेलिंग, एप्लीकेशन, एलिमिनेट, डिस्चार्ज, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इज दिस, डज इट हेल्प द ब्रांड बिकम कूल और इज इट अ मिस्टेक? आई डोंट थिंक सो। इट्स नॉट, इट्स अ मिस्टेक देन। Yeah. So, but अगर आप इतनी passionate हैं इसके बारे में तो ऐसा होना नहीं चाहिए, right? I'll be honest, my attention was across everything, but I will get it rectified. Okay. And okay. मेरे पास already ये boxes थे, अब पैसे नहीं है और to get boxes printed तो use ही करना है अब। Why can't you take money? Dad से क्यों नहीं ले सकते? आपने कहा dad एक businessman है, तो what's the problem? पापा बोले खुद brand start करना है, खुद जाके पैसे उठाओ, खुद बनाओ। कुछ स्टडी किया मार्केट साइज वगैरह क्या है? द नेल मार्केट साइज 9000 करोड़ है, अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड दोनों। इंडिया में? इंडिया में, जिसमें 99% नेल पॉलिश। मुझे वो एक्चुअली वो ही मेरा फर्स्ट आइडिया था इसके पहले, बट उतना कैपिटल नहीं था तो 1,00,000 में यही हुआ। अल्टीमेटली क्या आप नेल पॉलिश की तरफ जा रही हैं? वो मैं एक SKU रख दूंगी इन द फ्यूचर, पर वो बाद में देख लेंगे जब ब्रांड कैसे जाए। अभी क्या प्लान है? दिस इज आपका मंथली सेल्स कितना हो गया? मेरे अक्टूबर के रेवेन्यूज है फॉर ब्लिंकिट, मैंने 160 बॉक्सेस बेचे थे। कितना रेवेन्यू था वो? सो वेबसाइट से हमने बेयर मिनिमम 10,000 किए, उसके पहले वाज 5,000 फ्रॉम द वेबसाइट। मैं एड्स रन नहीं कर रही हूँ एज ऑफ नाउ। अप्रोक्सीमेटली कितना रेवेन्यू होगा अक्टूबर का? सो 160 बॉक्सेस। नहीं, रेवेन्यू सेल्स कितनी है आपकी अक्टूबर की, टोटल बिजनेस की? सो माय लाइफ टाइम सेल्स टिल नाउ आर 15,50,000। एंड मंथली सेल्स? मंथली सेल्स इज नॉट स्टेबल, सो दिस मंथ वुड बी 6,54,593। व्हाट, 160 डब्बों में कैसे इतना? दिस मंथ, बिकॉज मेरा जेप्टो का एक पीओ आ गया है कंफर्म। अच्छा, पर ये आप दिसंबर की सेल बता रही हैं मुझे? मैं दिसंबर के बोल रही हूँ। इस मंथ आपकी 6,50,000 की सेल होगी? नॉट 6,50,000, 6,54,593। ये कैसे आया ऑर्डर? आपने कॉल किया उनको, कोई कॉन्टेक्ट मिला? आफ्टर मैं ब्लिंकिट पे लाइव गई, मैं आई वेंट टू ज़ेप्टोस एंड मैं तो ब्लिंकिट पे हूँ, आप मुझे ले लो अब। सो 32 वीक्स लगे, एवरी मंडे मैं उनको ईमेल करती थी कि हाय, वेल डन, पर्सिस्टेंस पेस, वी गेट ऑन एन एक्सप्लोरेटरी कॉल, हम ब्लिंकिट पे है, हम दिल्ली बैंगलोर, एवरी मंडे सेम टेक्स्ट जाता था उनको। आपने 32 वीक्स तक करते रहे और कभी आपका मन नहीं करा कि छोड़े? नहीं, सुन रहे, करते रोज। पापा बोले शेमलेसली नॉक ऑन द डोर, Keep knocking, someone will open. आपके पापा बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, पापा को मानना पड़ेगा, सही में। ये जो कैटेगरी है, it's obviously at the beginning, अभी अभी स्टार्ट हो रही है।
तो ये जो मेकअप वाले जो लोग हैं ना, बदमाश गुंडे, ये जैसे जैसे बढ़ेगी वो अपनी लाइन शुरू कर देंगे, और उनके पास ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन है, अपनी दुकानें भी है 200 शायद, तो आप कम्पीट कैसे करेंगे? सिर्फ इतनी नीच कैटेगरी में वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? तब तक मैं क्वीन बन जाऊंगी इस कैटेगरी की। बट हाउ? हाउ? वन पैन इंडिया जाना है विद क्विक कॉमर्स टू सेल मैनिक्योर्स, एंड हम कस्टमाइजेशन भी ऑफर करते हैं, तो मुझे उस पे भी थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर करना है। आपका नेक्स्ट ईयर का बिजनेस प्लान क्या है? कितना रेवेन्यू करेंगी आप सेल्स? मुझे इस साल का डबल करना है। इस साल कितना करेंगी? This year I have done 15,50,000. और एंड करते करते ये साल में कितना हो जाएगा आपके हिसाब से? Another 5 lakh. तो 20 lakh. तो maybe 40-50 lakh. 50. कितना profit कमा लेंगे? So basically our product, my making cost is 400 rupees. उसमें 120 is raw material. Selling prices? Selling price is 1299. To Blinkit up. To Blinkit and Zepto it's lesser. What is it? So Blinkit it's 660 and Zepto 770. तो mostly आपने का quick commerce पे ही build करेंगी तो उसी को पकड़ते हैं हम. 700 is your sales price. 400 is my making cost. 120 is my raw material. 100 is my nail artist fee. वो ठीक है. 80 shipping and 100 is a buffer I've kept. क्या करेंगे फंडिंग लेके? पहले तो मार्केटिंग, सेकंड मुझे टीम बनानी है। 25 लाख में आप किनको हायर कर लेंगी? मैं मेरे एज के हायर कर लूंगी, मोर टू देयर इज स्कोप फॉर मिस्टेक। हां जी, किया तो हो जाएगा। चलिए अनुष्का, मैंने डिसीजन बना लिया है। आई विल गिव यू द ऑफर यू वांटेड। 25 लाख 25%, नो नेगोशिएशन। आई थिंक यू आर बेटेबल, देयर इज अ लॉन्ग जर्नी। एक ही है कि आप थोड़ा परसिस्टेंट रहे इस कैटेगरी पे। आपने एक पहले एक वो स्ट्रीट ब्रांड शुरू किया था, वो बंद कर दिया था, बट आई विल गिव यू द ऑफर, व्हाट यू वांट। मुझे लगता है 2-4 साल और आपको यू शुड एक्सपेरिमेंट एंड ट्राई विदाउट रेजिंग कैपिटल, स्पेशली बिकॉज कैटेगरी अभी तक प्रूवन नहीं है, और जो कॉम्पिटिशन आपके सामने, इट्स नॉट जस्ट नेल कंपनीज, इट इज एवरी फैशन ब्रांड, इट इज मेकअप ब्रांड्स, राइट? सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। And hats off to your dad. Thank you. आप बहुत early है आपके journey में। आप इतने जल्दी अगर 25% dilute कर देंगी, it's a chicken and egg situation, right? अभी कोई investor डालेगा नहीं unless you give 25%, क्योंकि आपका sales बहुत कम है। और अगर अब आप 25% दे देंगे, तो फिर आगे जाके क्या बचेगा for future fundraisers and scaling? But if you do choose to dilute, I think Piyush is a great partner. He understands D2C. He will really help you scale. But today I'm out. मेरा इसमें ओपिनियन थोड़ा सा अलग है। मैंने जब अपना पहला राउंड रेस किया था, मेरी सेल इतनी थी, I diluted 40%. And उस टाइम भी मेरे दिमाग में यही चल रहा था, बहुत बैक एंड फोर्थ हुआ, बट आई वॉज इन दिस व्यू यार कि मुझे जो करना है वो करना है, आई डोंट रियली केयर कि मेरे पास 50% है या 10% है। सो ऑफकोर्स दिस इज अ वैलिड पॉइंट, एंड आई एम जस्ट मेकिंग इट वेरी क्लियर दैट द बेट इज ऑन यू अनुष्का। आफ्टर मैंने जब आपका इंस्टाग्राम कंटेंट देखा और आपका रेजिलियंस देखा और फाइटिंग स्पिरिट, तो मुझे लगता है कि आई शुड सपोर्ट यू एंड फिगर आउट कि आप क्या बनाओगे। वो प्रोडक्ट क्या है आई कांट टेल यू। आई डोंट लाइक द फैक्ट दैट आपके प्रोडक्ट्स में इतने टाइपोस थे, तो बहुत ही शोज लैक ऑफ रिगर। बट दैट 32 वीक्स वाला स्टोरी की वजह से मेरा थोड़ा हैंग हो गया है, बिकॉज दैट इज क्रेजी। इफ आई वर टू टेक अ बेट, इट वुड हैव टू बी 50 lakhs at 50%. Co-founder. Why not 51? Because then you get 51 lakhs at 51%. Yeah, it has to be 51. So I am not okay to invest in it as a business. But there's an investor mindset which I don't want to bring to your mind right now. Okay. आप भागो, चेस करो, नंबर्स करो, और अभी से आपके 25% ले लूं मैं, इट्स नॉट राइट। सो आई एम अनफॉर्चुनेटली आउट। कैन आई कॉल माय डैड एंड रन दिस? यस यस यस, यू एब्सोल्युटली मस्ट। बट विनीता, ऑन अ सीरियस नोट, व्हाई हैवंट यू एंटर्ड दिस कैटेगरी? बिकॉज़ बहुत छोटी, यू आर सेलिंग नेल पेंट, राइट? स्मॉल, बहुत छोटी कैटेगरी है। Decision time. Piyush, you have a deal. Wow, good. Congratulations. Congratulations.
Let's see if we can get Fight to Sugar and do what she did in makeup, two nails. Thank you. Congratulations.